वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। आज हम क्लास ट्वेल्थ का कंपोजिशन का पार्ट फोर करेंगे। पार्ट फोर जो है वो हमारा होगा इनविटेशन, निमंत्रण। निमंत्रण में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन पार्ट फोर। इससे पहले हमने नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर सीख लिए थे। आज पार्ट फोर है और इसके बाद में हमारा एक आर्ग्यूमेंट और बचेगा। इनविटेशन को हिंदी में निमंत्रण कहते हैं। इनविटेशन के प्रकार हैं, यानी ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, फॉर्मल औपचारिक निमंत्रण एंड इनफॉर्मल अनौपचारिक निमंत्रण। मैं आपको बता दूं कि अभी जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें इनविटेशन आ गया है। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हमें ये कंपोजिशन पार्ट पूरा करना है, इसलिए पढ़ना तो है ही है। तो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यह दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक्सेप्टिंग स्वीकार करना एंड डिक्लेनिंग अस्वीकार करना। इनविटेशन में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको, जैसे कि मुझे किसी ने इनविटेशन भेजा है कोई शादी का, बर्थडे पार्टी का, या कोई और फंक्शन कार्यक्रम, कैसा भी कार्यक्रम हो, मुझे इनविटेशन भेजा है। अब मुझे वो स्वीकार है, यानी मैं जाऊंगा वहां पर फंक्शन में, तो मैं वापस जवाब दूंगा यानी कि हाँ मुझे वो निमंत्रण स्वीकार है। अगर मुझे अस्वीकार है, मैं नहीं जा सकता हूँ किसी कारण से, तो वो होगा हमारा डिक्लेनिंग, अस्वीकार है। तो दोनों तरह के रिप्लाई, यानी इनविटेशन का आंसर देना, वापस जवाब देना हमारे सिलेबस में है। तो फॉर्मेट इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन, यानी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल, इसके बाद में इनफॉर्मल पढ़ेंगे। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन के नीचे दो तरह के, यानी फॉर्मल में भी एक्सेप्टिंग और डिक्लेनिंग होगा और इनफॉर्मल में भी एक्सेप्टिंग और डिक्लेनिंग हुआ, दोनों में स्वीकार करना और अस्वीकार करना पढ़ेंगे, ध्यान दें अच्छी तरह से। तो पहला हम ले रहे हैं फॉर्मल। फॉर्मल में हम ये दोनों पहले पढ़ रहे हैं। फॉर्मेट यानी ये प्रारूप बनाया मैंने आपको, फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टिंग यानी निमंत्रण अगर आपको स्वीकार है तो उसका फॉर्मेट ये रहेगा, फॉर्मेट ऑफ डिक्लेनिंग अगर आपको इन्विटेशन अस्वीकार है यानी आप नहीं जा सकते हो उस फंक्शन में, तो ये फॉर्मेट रहेगा। इनको याद कर लो आप, आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको सही कर लोगे अगर आपको ये आता है तो। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, प्राप्तकर्ता का नाम, यानी जिसने इनविटेशन प्राप्त किया है उसका नाम लिखो, फिर थैंक्स और थैंक दोनों में से एक लगाओ, भेजने वाले का नाम यानी इनविटेशन किसने भेजा है उसका नाम लिखो, फॉर हिज और देयर में से एक लिखो, काइंड इनविटेशन टू अटेंड समारोह, कार्यक्रम का नाम समय लिखो, क्या कार्यक्रम के लिए इनविटेशन दिया गया है इत्यादि। ही और दे में से एक यूज करो, हैज और हैव में से एक यूज करो, ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये फॉर्मेट। और जहां जहां पर भी मैंने ब्लैंक किया है, डॉट लगाए हैं, वहां पर पर्सन के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ, और नीचे पहले क्या लिखा हुआ मैंने कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन हो तो आप थैंक्स काम में ले, यानी जो भी ऑब्लिक में दिए हुए हैं अथवा में, उन दोनों का कहां का प्रयोग करना यहां पर लिख दिया। कर्ता एक वचन हो तो थैंक्स, हिज, ही, हैज, इनका प्रयोग करें और ये सेंस हमारे इनमें इसमें काम आएगा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सुने। यू आर मनीष एंड रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम राजेश टू अटेंड हिज सन्स बर्थडे पार्टी। यू आर मनीष, आप मनीष हो, एंड रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, और आपने एक इनविटेशन लेटर प्राप्त किया, यानी मनीष ने प्राप्त किया है फ्रॉम राजेश, किससे, राजेश से। तो प्राप्त करने वाला मनीष है और भेजने वाला राजेश है,
क्यों भेजा राजर्स ने टू अटेंड हिज सन्स बर्थडे पार्टी, अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में अटेंड होने के लिए आने के लिए इस राजेश ने मनीष को इनविटेशन भेजा। अब ये पर्सन इस मनीष को कह रहा है राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, एक फॉर्मल जवाब दो, उत्तर दो। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को स्वीकार करते हुए वापस जवाब दो। ठीक है, यहाँ पर इसे पता चल जाएगा कि हमें इस इनविटेशन को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, एक्सेप्टिंग। ठीक है, अगले पर्सन में डिक्लेनिंग का बताऊंगा मैं आपको। चलिए, ये फॉर्मेट है, अब यहां से मैं ये फॉर्मेट वर्ड हटाता हूं और यहां पर लिखता हूं मैं आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना, आराम से बन जाएगा। सबसे पहले क्या है, प्राप्तकर्ता का नाम, कौन प्राप्त करता है, मनीष, तो यहां पर लिखूंगा मैं मनीष। ओके, अब थैंक्स और थैंक में से दोनों में से एक आएगा, मनीष सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, थैंक्स। ठीक है, फिर भेजने वाला कौन है, राजेश, तो यहां पर लिखूंगा मैं राजेश। ठीक है, पास पास में आ जाएंगे ये, आप एक बार लिखोगे मनीष थैंक्स राजेश फॉर हिज, सिंगुलर है राजेश यहां पर, काइंड इनविटेशन टू अटेंड, समारोह का नाम लिख दो यहां पर, टू अटेंड, क्या अटेंड करने के लिए, हिज सन्स बर्थडे पार्टी, हिज सन्स बर्थडे पार्टी। ओके, ये हो गया। अब यहां पर ही दे, यानी ये मनीष वापस कह रहा है कि ही यानी उसे, हैज सिंगुलर है, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, उसे ये इनविटेशन स्वीकार करके बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, प्लेजर हो रहा है, तो यानी ये हो गया हमारा स्वीकार करने का। ये पास पास में आएंगे, ये खाली जगह नहीं होगी, पूरा एकदम कंटिन्यू चलेगा। तो फॉर्मेट में ही मैंने एक दो तीन तीन चेंज किए, बाकी सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ वही पूरा काम में लिया और हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको डिक्लेनिंग यानी फॉर्मल में अस्वीकार करने का ये क्वेश्चन कराता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो हमारा डिक्लेनिंग का होगा। ठीक है, जैसे यू आर सुनील शर्मा एंड रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, आप सुनील शर्मा हो और आपने रिसीव्ड यानी प्राप्त किया है एन इनविटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, किससे प्राप्त किया है, प्रिंसिपल और स्टाफ से, कहाँ का, ऑफ आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ से आपने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है टू अटेंड एनुअल डे फंक्शन, और वो भी एनुअल डे फंक्शन अटेंड करने के लिए एज चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में, यानी प्रिंसिपल और स्टाफ ने सुनील शर्मा को एक निमंत्रण भेजा और कहा कि आप हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन अटेंड करने आओ चीफ गेस्ट के रूप में। अब ये पर्सन सुनील को क्या कह रहा है, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, एक औपचारिक रिप्लाई लिखो, डिक्लेनिंग द इनविटेशन, और इस इनविटेशन को अस्वीकार करते हो, यानी आपको स्वीकार नहीं है, आप जा नहीं सकते हो, ड्यू टू एन इम्पोर्ट वर्क, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, एक महत्वपूर्ण काम के कारण आप नहीं जा सकते हो, कारण कोई भी हो सकता है, ड्यू टू अर्जेंट वर्क, ड्यू टू अर्जेंट मीटिंग, ड्यू टू इलनेस बीमारी के कारण, कोई भी रीजन आए वो लिख देना हमें यहाँ पर। ठीक है, ये देखो हमारा ये तो स्वीकार करने का फॉर्मेट था, ये अस्वीकार करने का है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, प्राप्तकर्ता का नाम। ठीक है, वही सेम आधा तो इसके प्रकार का ही होगा, यहाँ पर प्राप्तकर्ता कौन है, सुनील शर्मा, तो यहां पर लिखेंगे हम सुनील शर्मा। ठीक है, सिंगुलर है तो थैंक्स हमारा सही होगा, सुनील शर्मा थैंक्स। भेजने वाले का नाम, भेजने वाले कौन है, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, इसके अंदर ही आएगा ये, ऑफ आदर्श सीनियर स्कूल। ठीक है, जो भी पूरा लिखा हुआ जुड़ा हुआ है भेजने वाले से, संस्था का नाम हो तो वो भी लिख दो, फॉर हिज और देयर, अब हिज आएगा देयर आएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल और स्टाफ, देखो थैंक्स तो इसके कारण हुआ सिंगुलर के, अब ये जो हिज देयर है भेजने वाले जो होते हैं उनके अनुसार होते, तो यहाँ पर प्रिंसिपल स्टाफ बहुवचन हुए, तो यहाँ पर आएगा देयर,
काइंड इनविटेशन टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, क्या अटेंड करने के लिए, समारोह का नाम इत्यादि लिखना है। तो यहां पर क्या समारोह का नाम है, टू अटेंड एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन, ओके। और वो भी लिख दो किसके रूप में बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाया है उसका लिख दिया पूरा। बट देखो यहां तक सेम है, यहां तक के फंक्शन के नाम तक क्या अर्थ निकलता है, सुनील शर्मा धन्यवाद देता है प्रिंसिपल और स्टाफ को, क्यों, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, जो उन्होंने इन्विटेशन भेजा है उसके लिए धन्यवाद दिया। किसके लिए, कौन सा फंक्शन, टू अटेंड एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन अटेंड करने के लिए जो निमंत्रण भेजा है उसके लिए सुनील शर्मा ने धन्यवाद दिया उनको, और किसके रूप में, एज चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में। अब यहां तक तो सेम था, लेकिन अब ये अस्वीकार करने का है इसलिए इसमें दो तीन लाइन ज्यादा होगी, बट फिक्स लाइन है, जहां पर डॉट डॉट था वहीं पर हमें चेंज करना है। बट रिग्रेट, लेकिन मुझे दुख है फॉर बीइंग अनेबल, असमर्थ होने के कारण, यानी मैं असमर्थ हूं टू अटेंड इट, इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हूं। असमर्थ होना मतलब नहीं जा सकता हूं, ड्यू टू, ये रहा ड्यू टू मतलब के कारण, पर्सन में लिखा हुआ था ड्यू टू, किसके कारण, अस्वीकार करने का कारण लिख दो, तो अस्वीकार करने का कारण क्या हुआ, ड्यू टू एन इंपॉर्टेंट वर्क, एक जरूरी कार्य के कारण नहीं आ सकता हूं, असमर्थ हूं उस फंक्शन में। अब वो सुनील शर्मा लास्ट में क्या कहता है, ही थैंक्स आएगा, थैंक्स, वो धन्यवाद देता है वंस अगेन, एक बार फिर से प्रिंसिपल और स्टाफ को धन्यवाद देता है कि आपने मुझे इन्विटेशन भेजा, एंड सेंड्स, सिंगुलर है, सेंड्स आएगा एक वचन के लिए, तो सेंड्स, और साथ में भेजता है बेस्ट विशेज और शुभकामनाएं भेजता है उनको कि मैं इस फंक्शन के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये हुआ हमारा इन्विटेशन का पार्ट वन, जिसमें हमने फॉर्मल औपचारिक निमंत्रण में एक्सेप्टिंग और डिक्लेनिंग के बारे में सीखा। दो तीन बार पढ़ें, लिखें और याद करें फॉर्मेट को, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें कहीं से लेकर, पासबुक और बुक में भी लिखा हुआ पीछे। ओके गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको समझ में आया होगा आई होप, और समझ में आया, पसंद आया तो आप एक लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day.